मदीने की पुरमुसरत फजाओं से आने को दिल ही नहीं जा रहा था। इतना सुकून है वहां पर, इतना सुकून मैं क्या बताऊं। तुम्हें पता है, मैंने खाना काबा के गुलाफ को पकड़ के रो रो के परवरदिगार से फरियाद की है, या अल्लाह मेरे घर में बच्चों के रोने की आवाजें, बच्चों की कलकारियां गूंजी, मेरे घर पे छाई उदासी को दूर कर दे अल्लाह। अब तक की जो जिंदगी है ना बाबा, वो मैंने बहुत अच्छी गुजारी है। बस एक दादी बनने की हसरत पूरी हो जाए तो सुकून से मर सकूं। सादिया, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अम्मा इतने दिनों बाद आई है, कम से कम मिल तो लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, कहीं जा रही हो तो पीछे से आवाज मत दिया करो। हद हो गई है वैसे। ये इसे इतना गुस्सा क्यों आया भाई? अरे वो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, मैंने इसे अभी तक विश नहीं किया, तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा मूड खराब। चल बेटा, ये बहुत बुरी बात है। आप परेशान ना हो, मैंने इसके लिए इतना अच्छा सा प्लान किया ना सरप्राइज देने के लिए, इसका मूड भी ठीक हो जाए।